तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 27 जनवरी की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाएगा? वेन वॉज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? 25 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी, 22 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। अब बात इम्पोर्टेंट डेज़ की हुई है तो देख लेते हैं जनवरी महीने की इम्पोर्टेंट डेज़ जो अब तक हुए हैं। 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को मनाया गया विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 11 जनवरी को मानव तस्करी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 को सशस्त्र बल भूतपूर्व दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 24 जनवरी को 2 दिन मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है और इसकी थीम क्या आपकी बार की, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये आज की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीसी ने 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड बाई आईसीसी फॉर द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर 2023? विराट कोहली, पैट कमिंस, उस्मान ख्वाजा, सूर्य कुमार यादव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैट कमिंस। इस क्वेश्चन का पैट कमिंस आंसर हो जाएगा और पैट कमिंस कौन है, ये ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान हैं और ऑस्ट्रेलिया टीम ने ही हाल ही में वर्ल्ड कप को जीता है। अब आईसीसी के द्वारा दिए गए 2023 के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं। तो यानी कि पुरुषों में जो अवार्ड सबसे मेन है वो कौन सा है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है जो कि किसको मिला है, पैट कमिंस को मिला है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और फीमेल्स में जो मिलता है वो मिलता है रचेल हो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये मिला है नेट साइबर को, नेट साइबर ब्रांड को, ये इंग्लैंड की हैं। तो बात करी जाए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, पैट कमिंस को। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है, नेट साइबर ब्रांड को जो कि इंग्लैंड की है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है, विराट कोहली को। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है, चमारी अट्टापट्टू को जो कि श्रीलंका की हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, उस्मान ख्वाजा को, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टी20 की बात हुई है तो किसको मिला है, सूर्य कुमार यादव को। आईसीसी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, हेली मैथ्यूज को जो कि कहाँ की हैं, वेस्ट इंडीज़ की हैं। आईसीसी एम्पायर किसको मिला है, रिचर्ड लिंगवर्थ को। स्प्रिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर को मिला है जिम्बाब्वे की टीम को। ऐसी और भी अवार्ड्स हैं ये आप देख सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये मिला है रचिन रविंद्र को जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ये कुछ अवार्ड्स हैं जो हमने देख लिए आईसीसी के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस अरब देश में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी? इन विच अरब कंट्री विल अ लिकर शॉप बी ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम? यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएंगी। सऊदी अरब जो देश है ये कट्टर मुसलमान देश है, यानी कि यहाँ पर जो धर्म के हिसाब से चीज़ें हैं वही चीज़ें होती हैं। यहाँ पर शराब पर प्रतिबंध था अब तक, पर अब पहली दुकान खोली जाएगी शराब की, कहाँ पर, सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू अचीव टॉप सीडिंग इन टेनिस डबल्स कैटेगरी? लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच या एंडी मरे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहन बोपन्ना। तो ये पूरी जोड़ी है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की,
जो कि युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। अब यहाँ पर टेनिस की हुई है तो देख लेते हैं कि किस व्यक्ति ने कौन सा ओपन जीता है। ये चार ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो इसमें पहला देखें हम, पहला कौन सा होता है, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। इसमें नोवाक जोकोविच ने स्टेनोफास सिसिपास को हराया जो कि ग्रीक के खिलाड़ी हैं। फीमेल में आरेना सबलेंका ने जीता है एलिना रिबाकिना को हराकर। आरेना सबलेंका कहाँ की हैं, बेलारूस की हैं। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन भी किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने, इसको हराकर, कैस्पर रूड को हराकर। फ्रेंच ओपन में फीमेल में किसने जीता है, ईगा स्वीटेक ने जीता है जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। किसको हराकर, कैरोलिना मुचोवा को हराकर जो कि चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं। विंबलडन ओपन की बात करें तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है और ये कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। इन्होंने किसको हराया था, नोवाक जोकोविच को हराया था और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। विंबलडन ओपन में फीमेल्स में मार्केटा वोंडरोसोवा ने जीता, ये कहाँ की हैं, चेक रिपब्लिक की हैं। और इन्होंने किसको हराया था, ओन्स जावेउर को हराया था जो कि तुनिसिया की खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन जीता, यूएस ओपन होता सबसे लास्ट में, इसको किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। किसको हराकर, डेनियल मेदवेदेव को हराकर। और इसमें फीमेल्स में कोको गोफ ने इस खिताब को जीता है, किसको हराकर, आरेना सबलेंगा को हराकर। ठीक, इतना याद रखेंगे हम टेनिस के ओपन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत की इक्विटी मार्केट में विश्व में कौन से स्थान पर है। भारत की इक्विटी मार्केट यानी कि विश्व में किस स्थान पर है ये बताना है, चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, दूसरे पर या पहले पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चौथा, क्योंकि भारत का इक्विटी मार्केट विश्व में चौथे नंबर पर है, पहले नंबर पर यूएस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। विच इंडियन ऑरिजिन पर्सन वॉज ऑनर्ड विद द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड। सविता कंशवाल, अजीत मिश्रा, प्रोफेसर बी आर कंबोज, पुष्पा भारती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजीत मिश्रा। तो अजीत मिश्रा ने हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने, किस देश की सेना में उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5 और अरास, बाबर और कर्रार को शामिल किया है। ये ड्रोन है अबाबिल 4, अबाबिल 5, अरास, बाबर और कर्रार। ऑप्शन है यूएई, इजिप्ट, ईरान, इज़राइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईरान। तो ईरान ने हाल ही में कुछ घरेलू ड्रोन है इनको अपने आर्मी में शामिल किया है, जैसे कि अबाबिल 4, अबाबिल 5, अरास, बाबर और करार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ईरान की बात करें तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है और यहाँ की जो करेंसी है वो तुमान। यहाँ पर एक बंदरगाह है, चाबार बंदरगाह, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस राज्य में नारंगी उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। तो हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल यानी कि नारंगी उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया, नागालैंड में मनाया गया। अब बात नागालैंड की हुई है तो देख लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड, यहाँ की कैपिटल क्या है, कोहिमा। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो लागडीसन, सीएम है नेफ्योरियो। अब त्यौहार की बात हुई तो त्यौहार देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला ये कहाँ पर लगता है, ये हरियाणा में लगता है और हर बार हरियाणा में ही लगता है। सरस मेला ये कहाँ पर है, ये कहाँ लगता है, ये जम्मू कश्मीर में लगता है। जम्मू कश्मीर के और त्यौहार देख लेते हैं। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, जम्मू कश्मीर में। बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, जम्मू कश्मीर में। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया गया, मुंबई में।
झींगा मेला पंजाब में, लक्की मेला राजस्थान के सीकर जिले में लगाया जाता है, बोमचू उत्सव ये भी सिक्किम में मनाया जाता, ये सिक्किम में मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला ये कहाँ पर लगाया जाता है, दिल्ली में, इसको आहार मेला भी कहते हैं। फूल देवी त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। मक्खन महोत्सव ये इसको कि अंडोरी भी कहते हैं, ये भी कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। बतुकम्मा त्यौहार जिसको कि फूलों का त्यौहार कहते हैं, तेलंगाना में। घोड़े यात्रा यानी घोड़े यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये नेपाल मनाया जाता है। तो इतना याद रखेंगे हम उत्सवों से या मेलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है, विद होम डिड इंडिया साइन द वर्ल्ड फर्स्ट एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ ग्रीन अमोनिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान। तो जापान के साथ हाल ही में समझौता हुआ है। बात जापान की हुई तो जापान के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल यहाँ की टोक्यो है, करेंसी येन है, यहाँ के पीएम फूमियो कसीदा हैं, यहाँ की संसद का नाम क्या है, डाइट। संसद का नाम पूछ लिया जाता है, याद रखना है। जापान को एक नाम से और जानते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से। सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, जापान। अमेरिका ने जापान किन दो शहरों पर एटम बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में। तो पहले हिरोशिमा में गिराया था, फिर नागासाकी में गिराया था। जो हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या है, लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन पुस्तक किसने लिखी है, हु हैज़ रिटन द बुक असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन, डॉक्टर मनसुख मांडविया, अरूप कुमार दत्ता, मनोज मुकुंद नरवाने या रघुराम राजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरूप कुमार दत्ता, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं पहले बुक से। हाल ही में गांधी अ लाइफ इन थ्री कैंपस पुस्तक किसने लिखी है, एम जे अकबर, आशीष कुंद्रा, नारायण बागुल या राम माधव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम जे अकबर, ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात बुक्स की हुई है तो बुक्स देख लेते हैं। अभिषेक चौधरी ने कौन सी बुक लिखी है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 1977। देवाशीष चटर्जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, कृष्णा द सेवेंथ सेंस। विनोद मानकरा के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबॉर्ड ऑफ रेनबो। रंजित प्रताप ने लिखी है किताब एज द व्हील्स टर्न्स। डॉक्टर ओम प्रकाश कोल ने लिखी है राग प्रकाश। टी एन सेशन ने लिखी है थ्रो द ब्रोकन ग्लास। और टी एन सेशन कौन थे, ये हमारे चीफ यानी कि जो पूर्व चीफ टैक्सन कमिश्नर थे। सरका भारद्वाज ने कौन सी किताब लिखी है, अ फूल्स एनर्जी। ऋषिराज ने लिखी है कारगिल एक यात्री की जुबानी। सोलह आना बाबलू यह किताब किसने लिखी है, सॉरी ये सोलह आना बाबलू है, एक आत्मकथा है पूर्व डिफेंडर सुब्रत भट्टाचार्य की, याद रखना है। अबेगी के द्वारा कौन सी किताब लिखी है, मानसून। तो इसी के साथ आज के हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो ख़त्म होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।